प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य के लोगों का खाना खत्म हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। तब वहां के राजा ने प्रजा को रोटियां देना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग मोटी मोटी रोटियां पाने के लिए झगड़ते थे। एक दिन रोटी लेने के लिए एक छोटी बच्ची भी महल पहुंची। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले गए तब राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी उस बच्ची को दे दी। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचाकर रखते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में बीच में जरूर आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी, कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुईं। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्रीकृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा।
जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है, तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझमें ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझमें ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझमें ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है, तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत होगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मित्रों, यह सवाल तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कभी ना कभी कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, कहीं और क्यों नहीं। तो मित्रों, इसके पीछे इतनी रोचक कथा है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां मोटी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सकें। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया है क्या युद्ध होना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को जगह की तलाश करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्त रंजित और भीषण होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुने जाने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। जब भगवान कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहां दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में न पहुंचे इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच और लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। यहां की भूमि इतनी ज्यादा कठोर थी कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। हालांकि श्री कृष्ण इस बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है।
परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दें। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, मन में हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। अनजाने में हुआ किसी भी तरह का पाप की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाप तो पाप ही होता है। जिस तरह अनजाने में कटे हुए बिजली के तार को पकड़ने से करंट लगता है और आप घायल हो जाते हैं, तब इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि इलाज तो कराना ही है। इसी प्रकार अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो इस इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का पाप कभी नहीं करूंगा, और जिसके प्रति पाप किया है उसकी मुसीबत के समय सहायता जरूर करें। अनजाने में हुए पाप को ईश्वर भी माफ कर देते हैं। प्रायश्चित किए बिना जीव मुक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को कहीं से एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और उनके सिर में लग गया। शिष्यों ने उनके सिर में से खून निकलते हुए देखा और पूछा, भगवान ये अचानक कैसे हुआ? महावीर जी ने कहा कि मेरा यह अंतिम अपराध था जिसका प्रायश्चित आज पूरा हो गया। मैंने किसी जन्म में एक व्यक्ति को पत्थर मारा था, यह पत्थर आज लौट कर आया है। अब मैं इस भार से भी मुक्ति हुआ। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है। दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसस और इस्लाम में कफारा कहा जाता है। हालांकि ईसाई धर्म में कन्फेसस या कन्फेस को स्वीकार करना कहते हैं। यह प्रायश्चित का ही एक रूप है, जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करना है या प्रायश्चित लेता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है कि तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में यह भेद है। अपने पाप का प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप होता है, प्रायश्चित लेने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होता है। वह अपनी प्रतिज्ञा का पूरी लगन से पालन करता है, तदुपरांत सदाचारी बन जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हजार बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते,
लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलों जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य कहो न उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें, अफसोस करने में व्यक्त ना गवाएं। महापुरुषों के सफलता के अनमोल विचार, ब्रह्मा ज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, जिसने इंद्रियों को वश में किया उसको स्त्री तृणतुल्य जान पड़ती है, निष्प्रह को जगत तृण है। चाणक्य सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। कर्म ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। महाभारत की कथा में कई रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पिता पुत्र की एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसने पांडवों के खेमे में कोहराम मचा दिया था। ये थे गुरु द्रोणाचार्य और उनका बेटा अश्वत्थामा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्रीकृष्ण और पांडवों को कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध किया। द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। एक बार घृताची की नाम की सुंदर अप्सरा को देखकर ऋषि भारद्वाज का वीर्यपात हो गया था। ऋषि ने अपने वीर्य को एक द्रोण मिट्टी के बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। वे अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने हिमालय में जाकर शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और फिर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत था। वैसे तो द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का पक्ष लेते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध किया। उन्होंने युद्ध में कई बार कौरवों की सेना का नेतृत्व भी किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना में कोहराम मचाया। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को हराया। महाभारत काल में चंद लोगों को ही चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदना आता था। द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने ही युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की। ये चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा गया था, मगर इसमें अभिमन्यु फंस गया और कौरवों ने उसका वध कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। श्रीकृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। फिर खबर फैला दी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काटकर उनका वध कर दिया। कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया, जब पांडव जीत का जश्न मचा रहे थे तब पांडवों ने उनके खेमे में घुसकर तबाही मचा दी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्र और धृष्टद्युम्न का उस समय वध कर दिया जब वे सो रहे थे। माना जाता है कि इस घटना के कारण अश्वत्थामा को सदियों तक जिंदा रहकर
दुख भोगने का शाप मिला था। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है, उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों लोभ लालच, जंगली काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए? उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दोस्तों, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता के अनुसार, कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। गीता को सुनने और समझने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे,
मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरपान खाकर पैदा नहीं हुआ है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक ना एक दिन है। जो बना है वह फना है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे, ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं, आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहां काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पर आया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ाता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक लेख में बताया है कि महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ हंसिए मत, ये बात सच ही है लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी।
सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध की शुरुआत में पांडवों से कहा था कि सिर्फ मेरे साथ होने से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, इसके आपको पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना होगा। कर्म किए बिना सफलता नहीं मिल सकती है। कर्म का महत्व बताने वाली एक लोक कथा प्रचलित है। मित्रों, प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में दो मित्र थे, एक बहुत मेहनती था और एक सिर्फ भगवान भरोसे जीवन जी रहा था। वह दिन भर पूजा करता था। दोनों ने मिलकर खेती के लिए जमीन खरीदी। मेहनती व्यक्ति खेत में दिन भर मेहनत करता, दूसरा दोस्त दिन भर पूजा करता और प्रार्थना करता कि उनकी फसल अच्छी हो जाए। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। उनके खेत में फसल तैयार हो गई। मेहनती व्यक्ति ने पूरी फसल काटी तो पूजा करने वाला मित्र बोला कि इसमें से आधा हिस्सा उसका है। मेहनती व्यक्ति ने कहा कि भाई, तूने तो एक दिन भी खेत में काम नहीं किया तो तेरा इसमें हिस्सा कैसे हो सकता है? दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों मित्रों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दे रहा हूं। कल जो व्यक्ति पूरे गेहूं साफ करके ले आएगा वही इस फसल का मालिक होगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी बोरी लेकर घर पहुंच गए। पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी गेहूं की बोरी साफ हो जाए। मेहनती व्यक्ति गेहूं साफ करने में लग गया। पूरी जाग कर उसने गेहूं साफ कर लिए। अगले दिन दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए। मेहनती व्यक्ति के गेहूं साफ थे, उसने गेहूं के सारा कचरा निकाल दिया था, जबकि भक्ति करने वाले व्यक्ति की बोरी ऐसी की ऐसी थी। राजा ने भगवान भरोसे रहने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई, देवी देवता भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तुमने रात भर भक्ति की लेकिन मेहनत नहीं की, जबकि तुम्हारे मित्र ने मेहनत की, गेहूं का कचरा साफ कर लिया। तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारे गेहूं भी साफ हो जाते। राजा के बाद पूजा करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद से दोनों मित्र खेती में बराबरी से मेहनत करने लगे। दोनों की मेहनत से उनकी फसल काफी अच्छी हो गई थी। वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधा के सभी चीजें हैं लेकिन वह असंतुष्ट है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता है। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कडेडेड ही भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था,
उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने छिनने का प्रयास न करें, आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है, कल बीता हुआ, कल किसी और का था, और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अत तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, ये तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है, इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियां मिट्ठू। खुद लिखे और खुद ही बांचे। मित्रों, न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए, जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। श्रीमद् भगवद् गीता के पहले अध्याय की शुरुआत में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी और पांडव सेना की खास बातें बता रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि आचार्य पांडव सेना में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना की है। पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम की तरह ही कई महारथी योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज आदि। महाभारत काल में महारथी उन लोगों को कहा जाता था जिनकी सेना में 11,000 धनुर्धारी सैनिक का समूह होता था। पांडवों की सेना में ऐसे कई महारथी थे जिनकी वजह से दुर्योधन का मन अशांत था। कौरव सेना में भी कई महारथी थे, लेकिन दुर्योधन के मन में शंका थी कि युद्ध में वह विजयी होगा या नहीं। युद्ध की शुरुआत में कौरवों की सेना पांडवों की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी। संख्या के मामले में कौरव काफी अधिक थे। फिर दुर्योधन को लग रहा था कि पांडवों की सेना संख्या में कम है, लेकिन सामर्थ्य के मामले में वह कौरवों की सेना से अधिक ही है। पांडवों के कई योद्धा अर्जुन और भीम के समान बलशाली थे। कौरव सेना में भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, लेकिन शंका की वजह से दुर्योधन को खुद पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य के सामने अपनी और पांडवों की सेना की शक्तियों का विश्लेषण कर रहा था। दूसरी ओर पांडवों की सोच सकारात्मक थी। उनके साथ श्रीकृष्ण थे और वे धर्म के मार्ग पर थे, इसीलिए उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। इस कहानी की सीख यह है कि किसी भी काम की शुरुआत में ही अगर सफलता को लेकर शंका हो गई तो उस काम में कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाता है। शंका के कारण मन अशांत रहता है, अशांत से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत में शंका न करें, खुद पर भरोसा रखें
और पूरी शक्ति के साथ और सकारात्मकता बनाए रखते हुए काम करना चाहिए। तभी सफलता मिल सकती है। जो लोग ईमानदार हैं उन्हें देर ही सही, लेकिन सफलता जरूरत मिलती है। इसीलिए इस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। बेईमानी से कुछ पलों का लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी वजह से परेशानियां जरूर होती हैं। ईमानदारी का महत्व बताने वाली एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य के लोगों का खाना खत्म हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। तब वहां के राजा ने प्रजा को रोटियां देना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग मोटी मोटी रोटियां पाने के लिए झगड़ते थे। एक दिन रोटी लेने के लिए एक छोटी बच्ची भी महल पहुंची। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले गए तब राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी उस बच्ची को दे दी। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचाकर रखते थे। इस कहानी की सीख यह है कि किसी भी काम की शुरुआत में ही अगर सफलता को लेकर शंका हो गई तो उस काम में कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाता है। शंका के कारण मन अशांत रहता है, अशांत से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत में शंका न करें, खुद पर भरोसा रखें और पूरी शक्ति के साथ और सकारात्मकता बनाए रखते हुए काम करना चाहिए। तभी सफलता मिल सकती है। जो लोग ईमानदार हैं उन्हें देर ही सही, लेकिन सफलता जरूरत मिलती है। इसीलिए इस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। बेईमानी से कुछ पलों का लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी वजह से परेशानियां जरूर होती हैं।